नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कुछ सावधानियां जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान ध्यान देनी है और ब्रेस्ट कैंसर के फॉलोअप में भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें और कैंसर ट्रीटमेंट में जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स आए, जैसे कुछ सर्जरी में हमारा बॉडी पार्ट चला गया, कीमोथेरेपी में पेशेंट्स के बाल चले गए, कुछ हेयर, कुछ स्किन कलर चेंज हो गया, कुछ बॉडी में वीकनेस आ गई, तो इसको कैसे हम ध्यान रखें। बहुत सारे मिथ हैं कीमोथेरेपी को लेकर। तो आजकल जो दवाइयां हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, वो बहुत अच्छी हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी जैसे हेयर लॉस एक लेडी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हेयर 4-6 महीने में दोबारा आ जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती है। जो हमारी बॉडी वीक हो गई है कुछ इमोशनली और कुछ बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, उसको दूर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एक्सरसाइज पे। किस तरह की एक्सरसाइज और कब से स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज, तो हमें जैसे ही हमारी सर्जरी होती है हमें day 2 से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है अपनी। हमें अपने नेक से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज को, करना शोल्डर्स पे फोकस करना है और जिस आर्म में सर्जरी हुआ है उस आर्म के मूवमेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूर ध्यान देने हैं कि हमारे सारे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड सारे मूवमेंट हों। शुरुआत में हमें पेन होगा, हमें थोड़ा सा दर्द लगेगा, हमें लगेगा कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमारे टांके तो नहीं खुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना है। जिस एरिया की मसल्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वो मसल्स उतनी लचीली हो जाएंगे, उतना आपका मूवमेंट जैसे आप पहले थे वैसा ही हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी इस बात को ध्यान रखना है, जैसे कीमोथेरेपी के दौरान आप बहुत वीक महसूस करते हो तो आपको मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको अपनी शोल्डर, नेक और आपको आपके जो अपर एब्डोमेन का एरिया है इसकी एक्सरसाइज करनी है, शरीर को लचीला बनाना है। खान पान पर ध्यान रखना है, जैसे कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, कुछ ज़्यादा लेनी है। अवॉइड करने में आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट जाके मार्केट से गोलगप्पे नहीं खाने, तीखा नहीं खाना है, लेकिन प्रोटीन खूब ज़्यादा लेना है। प्रोटीन से जो हमारा बॉडी लॉस हुआ है, जो मसल्स हमारी वीक हो गई हैं वो सब रीजनरेट करती है। पानी खूब पीना है, जूस खूब लेने हैं, जिससे हमें विटामिन सी, विटामिन ई मिलेगा और हमारी हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ और हमारा जो स्किन का टेक्सचर था, जो ग्लो था, वो दोबारा से वापस आएगा। कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि जिस हाथ से जिस तरफ की सर्जरी हुई है उस आर्म में हमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई ब्लड सैंपल नहीं देना है, कोई बहुत भारी सामान नहीं उठाना है उस ऑपरेटेड साइट से, तो ये हमें कुछ सावधानी रखनी है। अब आ जाते हैं लास्ट में कि आप कैसे चेकअप में जाएंगे। तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हर 2-3 महीने में आपको जाना है और हर 3-6 महीने में आपको मैमोग्राफी ऑफ द अपोजिट ब्रेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट आपको कराने हैं। ये फॉलोअप हम यूजुअली 2 साल तक रखते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें और कैंसर से पूरी तरह ठीक हो जाए। नमस्कार।